व्यस्त महासम्मेलन मध्य प्रदेश की जिला इकाई दमोह के द्वारा नव निर्वाचित नगर पालिका के पार्षदों का सम्मान समारोह के अवसर पर समस्त वैश्य बंधु शादाब आमंत्रित। निवेदक व्यस्त महासम्मेलन युवा इकाई दमोह, स्थान व्यस्त सामुदायिक भवन जटाशंका के पास बाईपास रोड दमोह, 23 अगस्त 2022 दिन मंगलवार दोपहर 3 बजे से। वर्ल्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर। देर रात भारी बारिश के बीच दमोह के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत किल्लाई नाका नवजागृति स्कूल के समीप खड़े ट्रक से बाइक सवार युवक टकरा गया, जिसे गंभीर हालत में 108 जन्नी वाहन संचालक श्रीमती उषा संतोष तिवारी और राजकुमार अठिया ने निजी वाहन से जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां इलाज के दौरान देर रात युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक का बाइक नंबर MP34MM3884 बताया जा रहा है। वहीं युवक की पहचान सुबह हुई है, पुलिस चौकी में पदस्थ है। पुलिस प्रशासन के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि युवक का नाम खोवा, पिता फेरन अहरवाल है, जो कि 32 वर्षीय है, बीजा निवासी है, जिसकी सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो जाने के बाद पोस्टमार्टम पंचनामा कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। एक एक्सीडेंटल केस आप लेके आए, क्या मामला? जी, मैं वहां पर खड़ा था मिशन स्कूल के सामने, गुटखा खा रहा था। चूंकि एकदम भड़ाक की आवाज आई, मैंने देखा लोगों ने 100 डायल भी लगाया, फोन 108 भी फोन लगाया, लेकिन उनमें विलंब हो जाता। मुझे मालूम है 100 डायल में भी आने में टाइम लगेगा, 108 आने में भी मुझे टाइम लगेगा। मैंने तत्काल उसको अपनी गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल तक पहुंचाया, ऊपर वाला उसकी जान बचा ले, इसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। कुछ नहीं मालूम, गाड़ी का नंबर सर्च करके अभी हमने तत्काल में नहीं देखा, अभी बताते हैं। गाड़ी का नंबर सर्च होगा, उससे ये पता चलेगा ये किसकी गाड़ी है, क्या है। मैं तो तत्काल हमने ये उपाय किया कि हॉस्पिटल पहुंच जाए। कैसे एक्सीडेंट हुआ था? ट्रक खड़े रहते हैं वहां पर किल्लाई नाके पे, मिशन स्कूल के सामने भरे हुए ट्रक रेत के खड़े हुए, पीछे से गाड़ी लगी उसकी। क्या नाम है आपका? मैं संतोष, उषा संतोष गौतम, मैं 108 जन्नी एक्सप्रेस का संचालक हूँ।